हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग तज्ञ, सम्मोहन विशेषज्ञ, नशा मुक्ति तज्ञ, NLP ट्रेनर और एक कोच हूँ। सोशल एंग्जाइटी यानी समाज में जाना और वहाँ टेंशन आना, ये बहुत ही कॉमन दिखने वाली बीमारी है। इसके कुछ लक्षण, प्रमुख लक्षण हैं जो मैं आपको बताता हूँ, और वो बार 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 दिखाई देते हैं और वो व्यक्ति को तकलीफ होती रहती है। वैसे तो हमें सभी को तकलीफ होती है, समझो हम बाहर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं तो तकलीफ तो होती है। तकलीफ मतलब टेंशन आता है, एंग्जाइटी वरी आती है। मगर हम साइकेट्री में ये बोलते हैं कि जब किसी को तकलीफ उतनी ज़्यादा होती है कि जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, मतलब जीवन जीने का दर्जा, उसके ऊपर असर होता है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, फिर इसका इलाज करना ज़रूरी है। तो जो सोशल एंग्जाइटी है, इसके प्रमुख लक्षण जो है मैं आपको बताता हूँ। एक जो लक्षण है वो है फियर ऑफ एम्बेरसमेंट। फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, इसका मतलब ऐसे कि एम्बेरस हो जाऊँगा, संकोच या शर्म आना, या मतलब ऐसा लज्जा लगना, या ऐसा शर्म आती है लोगों से मिलने के लिए। कुछ तो भी मतलब उसको ऐसा बहुत ईज नहीं रहता लोगों से मिलने के लिए, उसको कुछ तो भी ऐसी शर्म आती है, लज्जा आती है लोगों से मिलने के लिए, या लोग मेरा इंसल्ट करेंगे, लोग मेरा अपमान करेंगे, मैं लोगों से बातचीत नहीं बराबर कर सकता हूँ, खुद को इन्फीरियर समझना, कम समझना, और फिर उसमें उसको तकलीफ होना, तो एक पहला ये रहता है। फिर दूसरा उसका एक प्रमुख लक्षण जो है वो है कि हाथों में बहुत सारा पसीना आना, बहुत सारा पसीना आता है और हाथ पूरे गीले हो जाते हैं, पैर भी गीले हो जाएंगे, पूरा बदन पसीने से गीला हो जाएगा, और काफ़ी सारा पसीना है लोगों को आता है, और पसीने के साथ साथ धड़कन होती है, धड़कन हो जाना, हाथ कांपना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। फिर तीसरा जो है वो है मतलब जी मचलाना, या पेट में ऐसे बहुत सारा मतलब ऐसा कुछ भी हलचल होना, या पेट में ऐसा बहुत सारा गड्ढा बैठ गया है ऐसा लगना उसको, और ऐसा अजीब सा अजीबोगरीब फीलिंग हो जाना कि अभी कुछ तो भी पेट में हो रहा है, ऐसा उसको लक्षण आ जाता है। तो ये बहुत ही कॉमनली दिखाई दिया हुआ सिम्टम है। फिर जो है एक्सेसिव वरिंग, बहुत चिंता, ये लोगों को इतनी चिंता होती रहती है कि छोटी छोटी बात के ऊपर चिंता, कि मैं बाहर जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे बच्चे बाहर जाएंगे वो घर में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, किसका फ़ोन आ गया तो फ़ोन उठाना बोले तो तकलीफ़ हो जाती है, अभी किसका फ़ोन है ये, अभी वो क्या बोलने वाला है, बॉस का फ़ोन आ गया तो वो क्या बोलेगा, ऑफिस में पत्नी का फ़ोन आ गया तो वो भी कुछ तो भी हो गया घर में, मतलब उसको इतनी सारी मतलब चिंता रहती है छोटी छोटी बात के ऊपर। पानी नहीं आया तो चिंता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो चिंता, ऐसे एक्सेसिव वरिंग उसको रखता है। फिर है डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, मतलब बातचीत करने में स्लो नहीं रहना, बातचीत करने में अटकना, बातचीत करने में रुक जाना, ऐसा एकदम थॉट ब्लॉक हो जाना कि एकदम रुक के पता नहीं क्या हो रहा है, तो एकदम बातचीत बंद कर देना, तो ये डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग होता है। फिर नेक्स्ट एक और एक है अवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशन, मतलब बाहर जाने में वो टालते रहता है लोगों, मतलब लोगों में जाना और मिलना उसमें टालते रहता है। मतलब शादी में जाना है बोलेंगे घर वाले लोगों को, तुम चले जाओ मैं तो घर में बैठता हूँ, फिर बोलेंगे मुझे मूड नहीं है, या फिर उसको ज़बरदस्ती बाहर लेके गए तो फिर गाड़ी में बैठेगा वहाँ अंदर नहीं आएगा, या फिर जाएगा तो फिर एक कोने में जाके बैठ जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, और ज़्यादातर ये लोग बाहर जाना टालते हैं। कोई भी सोशल सिचुएशन रहो, मतलब किसकी मौत हो तो ये लोग जाएंगे नहीं, वैसा भी ये लोगों को मौत का बहुत डर लगता है कि भाई कुछ तो भी हो जाएगा, अटैक आ जाएगा और अटैक आके मैं मर जाऊँगा, या कोई मरा हुआ व्यक्ति दिखा तो वहाँ उसको डर लगता है, मरा हुआ कोई व्यक्ति उनके घर में जाते नहीं है, या कोई उत्सव है तो वहाँ जाएंगे नहीं, कोई बर्थडे पार्टी में जाएंगे नहीं, शादी में जाएंगे नहीं, मतलब ऐसा होते रहता है। और एक जो है बच्चों में समझो ये दिखाई देता है सोशल एंग्जाइटी, तो बच्चे स्कूल में जाना बंद कर देते हैं। काफ़ी सारे माँ बाप मेरे पास में आते हैं कि बच्चा स्कूल में जाता नहीं है, उसको सोशल एंग्जाइटी रहती है, और वो फिर स्कूल में जाता नहीं, कुछ तो भी कारण बताएगा, स्कूल में जाने के समय पेट दर्द करेगा उसका, या सर दर्द करेगा, या चक्कर आएंगी, या बेहोश हो जाएगा, या घबराहट हो जाएंगे ना, ऐसा कुछ तो भी करेंगे कि स्कूल में जाएगा नहीं, या फिर वो बच्चा बातचीत करना बंद कर देता है, बातचीत नहीं करेगा, चुपचाप बैठे रहेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे लक्षण जो है कि ये जो सोशल एंग्जाइटी के लक्षण रहे, और वो यदि लक्षण हम ठीक करते हैं तो उसका जीवन अच्छा वो जी सकता है, अदरवाइज ये आदमी पूरा पैरालाइज हो जाता है, मतलब कहीं काम का रहता नहीं है, ये व्यक्ति जॉब छोड़ देगा, धंधे पानी पे जाएगा नहीं, कमाना बंद कर देगा, और ये धीरे 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 उसको पैरालाइज कर देंगी बीमारी। इसका पूरा 100% इलाज, 100% उसका इलाज होता है, और इलाज हम करते हैं
तो व्यक्ति पूरा नॉर्मल उसका जीवन जी सकता है। उसके इलाज के लिए मैं और कोई वीडियो आपको बताऊंगा, इसमें सिर्फ यही बताऊंगा कि भाई उसमें सम्मोहन से इलाज होता है, सेल्फ हिप्नोसिस से उसका इलाज होता है, मेडिसिन से उसका इलाज होता है, मेडिटेशन से इससे इलाज हो सकता है। और ये इलाज यदि हम करते हैं तो आदमी पूरा 100% नॉर्मल जीवन जी सकता है। आपके परिचित काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको ये बीमारी होंगी, ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको ये मालूम पड़ेगा कि नहीं ये बीमारी है, इसका इलाज हो सकता है, तो इलाज लेके अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं। ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।